Good morning, friends. I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you the chapter name A Trump of Surgery. This chapter is written by James Herriot. जो James Herriot है ये एक surgeon है और ये जो surgeon है ये veterinary surgeon है. यहां पर जो Trump of Surgery है ये मिसेज पम्फ्रे जो एक डॉग है ट्रिक की उसकी मालकिन है. ये शब्द उनके द्वारा कहे गए हैं कि दिस इज द ट्रंप ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी की विजय हुई है. अब ये सर्जरी की विजय किस प्रकार से हुई है, सर्जरी की जीत किस प्रकार से हुई है, मैं आपको बताता हूं. यहां पर एक डॉग होता है जिसका नाम है ट्रिकी. उसकी जो मालकिन है ट्रिकी की मिसिज पम्फ्रे वो उसको ओवरफेड कर देती है. अब ओवरफेड करने के बाद वो जो डॉग है वो गोल मटोल हो जाता है और वो इतना मोटा हो जाता है कि उसे चला भी नहीं जाता. तो जब उसे चला नहीं जाता तो वो हांफने लगता है. फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को कहती है कि मेरे डॉग को बचा लीजिए. फिर डॉग उस जो डॉक्टर है उस डॉग को अपने साथ ले जाता है और वो उसको बिना कोई इलाज किए केवल उसकी डाइट कंट्रोल करके उसको ठीक कर देता है. यानी कि इस लेसन में मैसेज ये है कि हमें ओवर फीडिंग नहीं करनी चाहिए, सारा दिन खाते रहना नहीं चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए तथा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें खाना पीना थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए. अदरवाइज हमारा हाल तो इस डॉग ट्रिक के जैसा ही हो जाएगा. लेट्स गो टू द लेसन. आई वॉज रियली वरीड ट्रिकी अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. अब यहां पर जो हमारा नरेटर है जो बोल रहा है जो बात को कह रहा है, यानी यहां पर लेसन में जो आई है वो है James Herriot, यानी कि जो नरेटर है जो राइटर है इस लेसन का James Herriot जो वेटरनरी सर्जन है वही यहां पर स्पीकर है. वो कह रहा है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार में ट्रिकी के बारे में वास्तव में ही बहुत चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ इन द स्ट्रीट with his mistress and I was shocked at his appearance. Pulled up, यहाँ पे एक शब्द आया pulled up. Pulled up का मतलब है तो to stop, किसी कार आदि को रोकना is called pulled up. मैंने अपनी कार को गली में रोक दिया जब मैंने उस ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा और उसकी मिस्ट्रेस को देखकर मैं बहुत ही shocked हुआ, मुझे बहुत ही दुख पहुंचा उस कुत्ते को देखकर, उस डॉग को देखकर. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. He had become hugely fat. वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था. Hugely मैंने बहुत ज्यादा. वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था. कैसा मोटा हो गया था? Like a bloated sausage. Bloated sausage का मतलब है, यहां पर bloated sausage का मतलब है कि एक फूला हुआ मांस का टुकड़ा. एक फूला हुआ मांस का टुकड़ा जिसके चारों कोनों पर एक एक टांग लगा दी गई हो, इस प्रकार से वो फूलकर मांस का टुकड़ा जो है बन चुका था. His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. अब ये वर्णन देखिए, इसने कितना सुंदर वर्णन किया है उस डॉग की बीमारी का, उस डॉग के फूले होने का. कहता है His eyes bloodshot. उसको ठीक से सांस नहीं आ रही थी इसलिए उसकी जो आंखें थी वो bloodshot थी, खून की तरह लाल थी. And rheumy, और आंखों से लगातार पानी बह रहा था. जब वाटरी आई जो होती है आंखों से लगातार पानी बहना इस कारण रियूमी. उसकी आंखें जो ब्रशोट थी रियूमी थी. स्टेयर स्ट्रेट, क्योंकि अब इतना मोटा हो गया था उसकी गर्दन नहीं मुड़ रही थी इसलिए स्टेयर मैंने घूरना देखना एक पट्टी लगा देखने से स्टेयर, इसलिए वो लगातार सामने को घूर रहा था. एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग है उसकी जो जीभ है लोल्ड लोल्ड में ऐसे लटक जाना, उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों से लटक रही थी, मतलब उसके अंदर कोई जान नहीं रह गई थी, ऐसा जो डॉक्टर साहब हैं यहां पर वर्णन कर रहे हैं. मिसेज पम्फ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. अब देखिए, जिसका कुत्ता बीमार हो गया हो, लोग कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं, जिसका कुत्ता बीमार हो गया हो उसको तो बड़ी जल्दी थी मिस्टर हैरियट को एक्सप्लेन करने की. उसने बड़ी जल्दी से डॉक्टर हैरियट को मिस्टर हैरियट को एक्सप्लेन किया कि ही वाज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस होता है टायर्ड एंड विदाउट एनर्जी, के वो बहुत थक चुका है और अब उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रह गई है, यानी कि मेरा जो डॉग है
वो लिस्टलेस हो गया है। He seemed to have no energy. उसमें कोई एनर्जी दिखाई ही नहीं देती, ऐसा लगता है उसमें कोई एनर्जी रह नहीं गई है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। इतना कुछ खिला रही है, इतना कुछ खिला रही है, फिर भी कह रही सर मैं उसको ज्यादा तो दे ही नहीं रही हूं। कहती है मुझे लगता है he must be suffering from malnutrition, malnutrition मतलब है अच्छा पोषण न होना, प्रॉपर पोषण न मिलना। मुझे लगता है ये जो मेरा डॉग है इसको प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें देती रहती हूँ भोजन के बीच में। जैसे भोजन खिला दिया उसके बीच में अगले भोजन के बीच जो अंतर होता है उसमें कुछ कुछ उसको देती रहती हूँ ताकि उसका स्वास्थ्य बना रहे। जैसे मैं उसको थोड़ा क्या देती हूँ माल्ट, माल्ट होता है जो टाइप चीज होती है जिसकी बियर बनती है, माल्ट देती हूँ, कोल्ड लीवर ऑयल, कोल्ड एक मछली होती है उसके लीवर का तेल देती हूँ, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, रात को एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हूँ ताकि वो अच्छे से सो जाए, नथिंग मच रियली, और वास्तव में मैं इसे ज्यादा कुछ देती भी नहीं हूं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर कहता है जब तू मुझे पहले मिली थी ना मैंने तुझे कहा था कि इसकी मिठाइयां कम कर दे, क्या आपने इसकी मिठाइयां कम की? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ डॉक्टर साहब ने थोड़ी सी करी तो थी, ओ आई डिड अ बिट फॉर अ बिट मैंने थोड़ी सी की थी, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो इतना कमजोर दिखने लगा मिठाइयों के बिना, आई हैड टू रिलेंट कि मुझे ना चाहते हुए भी उसको मिठाइयां देनी पड़ी। रिलेंट मीन्स जो कार्य आप करना नहीं चाहते, ना चाहते हुए आपको स्वीकृति देनी पड़े, वो कार्य करना पड़े, दैट्स कॉल्ड रिलेंट। कहता है मैं नहीं चाहती उसको मिठाई देना, लेकिन ना चाहते हुए मुझे उसको मिठाई देनी पड़ी क्योंकि वो बेचारा कमजोर सा दिखने लगा मुझे। He does love cream cakes and chocolate, so I cannot bear to refuse him. उसको क्रीम केक और चॉकलेट इतने पसंद है, काफी पसंद है, इसीलिए मैं उसको मना नहीं कर सकती, मैं उसको मना नहीं कर सकी। I look down again at the little dog. That was the trouble. Trick is one only fault was greed. फिर मैंने उस कुत्ते की ओर देखा, वहां पर एक मुसीबत थी। वो मुसीबत क्या थी? कुत्ते की एकमात्र समस्या क्या थी? उसका लालच, उसके अंदर दोष था कि उसको खाने पीने का लालच रहता था, ग्रीड रहता खाने पीने का। He had never been known to refuse food. उसके बारे में कभी नहीं जाना गया कि उसने भोजन से मना किया, और जब भी मिल गया जो भी मिल गया आण दे, बस आण दे थाली में, आया खा लिया, आया खा लिया, यही काम था उसका। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो दिन के किसी भी समय, रात किसी भी समय भोजन खाना सहन कर सकता था, भोजन को खा सकता था। And I wondered about all things Mrs. Pumphrey had not mentioned. और मैं हैरान था उन सभी चीजों के बारे में, भी तो Mrs. Pumphrey ने मुझे कम ही बताया था क्या क्या खाता है, उन सब चीजों के बारे में Mrs. Pumphrey ने मुझे नहीं बताया था, उनके बारे में हैरान था। Are you giving him plenty of exercise? फिर मैंने Mrs. Pumphrey से पूछ लिया, Mrs. Pumphrey क्या आप उसको काफी एक्सरसाइज करवा रहे हो डॉग को? Well, he has little walks with me. As you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. यहाँ पर एक वर्ड आया है lumbago. Lumbago क्या होता है? ये लोअर बैक के अंदर एक मसल पेन होता है, ये बीमारी होती है लोअर बैक के अंदर जो मसल पेन होता है, that's called lumbago. Well, हाँ ठीक है, he has little walks with me as you can see. जैसे आप देख सकते हो मैं अभी उसको घुमा रही हूँ, मेरे साथ थोड़ी थोड़ी वॉक कर लेता है, लेकिन जो मेरा माली है Hodgkins, he has been down with lumbago. उसको lumbago की बीमारी हो गई है, so there has been no ring throwing lately. इसीलिए काफी समय से ring throwing नहीं हो सकी है. I tried to sound severe. Now I really mean this. मैंने थोड़ा कठोर होने की कोशिश की. Now I really mean this. अब मैं चाहता हूं कि ऐसा ही कीजिए आप एक्सरसाइज करो इसको. If you don't cut his food right now and give him more exercise,
ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अगर आपने अभी की अभी इसके भोजन में कटौती नहीं की, इसके भोजन को कम नहीं किया और इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई तो वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन यूर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हें अपने दिल को कठोर करना होगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। मिसिस पंफरी रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। अब मिसिस पंफरी अपने हाथों को मलने लगी, रंग करने लगी और कहती है, मिस्टर हैरियट हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, शी सेड ऑफ। कहती है, मैं जानती हूं कि आप ठीक हो लेकिन डॉक्टर साहब, मिस्टर हैरियट, ये वास्तव में बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। और उसके बाद वहां से अपना सिर नीचा किए चली गई। अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड पुट द न्यू रिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अपने सर को नीचा करके इस प्रकार चल दी मानो वो नया प्रशासन आज से स्थित कर देगी, आज से ये नया राज्य लागू कर देगी और जैसे आज ही उस डॉग को वो सब कुछ ठीक कर देगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मेरी बढ़ती हुई चिंताओं के साथ मैंने उनकी प्रोग्रेस को देखा कि वो क्या कर रहे हैं। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। देखिए यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, टोटरिंग। टोटरिंग का मतलब है ऐसे ही आलस्य से चलना, मतलब ठीक से ना चल पाना। कह रहा ट्रिकी जो टोटरिंग कर रहा था और उसने एक ट्वीट कोट पहना हुआ था, उस प्रकार ऐसे कोट्स की एक अलमीरा भरी पड़ी थी। उसके पास गर्मियों के सीजन के अलग थे, सर्दियों के सीजन के अलग थे, और उसके पास सर्दियों के लिए जो भीगे हुए दिन थे, बरसात के जो दिन थे, उसके लिए रेनकोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो चलने में संघर्ष कर रहा था, ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और वो जो है अपना सर झुकाए हुए जैसे हार मान चुका हो, और अपनी जो कुत्ते की जो बेल्ट होती है बेल्ट में बंधा हुआ, वो जैसे हार मान चुका हो जीवन से, इस प्रकार से चल रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरी। मुझे लगा कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मिसेस पंफरी मुझे बुलावा भेजेगी और कहेगी कि मेरा डॉग जो है ये बीमार हो गया पूर्ण रूप से, अब ये कुछ कर नहीं पा रहा है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कहता भी कुछ ही दिन बीते थे, वही एक्सपेक्टेड कॉल जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि मिसेस पंफरी कॉल आएगी, वो कॉल आ गई। मिसेस पंफरी वॉज डिस्ट्रोट, डिस्ट्रोट मीन्स वरीड, दुखी, चिंतित। मिसेस पंफरी जो है बहुत ही दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, वुड ईट सेकेंड फॉर्म लगी है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ईट। ट्रिकी जो है वो कुछ नहीं खा रहा था। रेफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपनी फेवरेट डिशेज को भी मना कर रहा था। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसको थोड़ी थोड़ी जो है उल्टियां भी हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। अब वो सारा दिन एक कंबल के ऊपर पड़ा हुआ तड़प हांफता रहता था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर ए वॉक, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। अब वो सैर पर जाना नहीं चाहता था और भी कुछ करना नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। डॉक्टर ने कहा कि मैंने तो पहले से ही उसकी शक्ल देख ली थी, उसकी हालत देख ली थी, और मैंने अपने प्लान्स जो एडवांस में बना लिए थे। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। उसका एक मतलब तरीका यही था कि कुछ समय के लिए मैं ट्रिकी को घर से बाहर ले जाऊं। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट, पखवाड़ा, 15 दिन का एक्सरसाइज जो समूह होता है उसको बोलते हैं फोर्टनाइट। मैंने उसको सुझाव दिया कि इसको एक पखवाड़े के लिए, एक फोर्टनाइट के लिए, 15 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सबूंड, सबूंड मैंने बेहोश हो जाना, मुश्किल हो जाना। वो जो बेचारी औरत थी मिसेज पंपरे लगभग बेहोश हो गई सुनके। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसको विश्वास था अगर वो डॉग वो ट्रिक की उसको हर रोज नहीं देखेगा तो वो तड़पेगा और वो मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने अपनी जो लाइन है वो पक्की कर रखी थी। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी जो है बीमार था और ये एक तरीका उसको बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने मुझे लगा कि बिना देरी किए अब इसको यहां से ले जाना ही बेहतर है। फॉलोड बाय मिसेस पंफरेज वेलिंग, और मैं उसको लेकर चल दिया और पीछे पीछे मिसेस पंफरी जो है वो विलाप करती आ रही थी। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटल डॉग रैप्ड
इन अ ब्लैंकेट। अब मैं कंबल में लिपटे हुए उस ट्रिक्की को लेकर अपनी कार की ओर बढ़ा। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड रस इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैग। जो पूरा स्टाफ था वो खड़ा हो गया, भागदौड़ करने लगा, और जो उसके दिन का बैड, रात का बैड, उसके फेवरेट कसन, उसके टॉय, रबर थिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, ये सारी की सारी जो चीज थी उसकी वो लेकर आने लगे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। मैंने देखा अरे इतना सामान मेरी कार में कैसे आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैंने कार को भगाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जो ही मैं चला, मिसेस पम्फ्रे वाज अ डिस्पेरेट क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। भागती भागती मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया, एक आर्म कोट का जो था उसका, एक जो कोट की जो थी वो पूरा आर्मफुल उसके अंदर डाल दिया, गाड़ी के अंदर डाल दिया विंडो के थ्रू। आई लुक एट द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। फिर मैंने अपने मिरर में से देखा कि प्रत्येक व्यक्ति जो वहां पर आंसुओं में था, रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। सड़क पर चलते हुए मैंने एक नजर उस बेचारे कुत्ते के ऊपर डाली जो कि मेरी सीट की साइड में बैठा हुआ हांफ रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिक की मेड अ ब्रेव एफर्ट्स टू वेक हिज लेग। फिर मैं उसको थपथपाया और उसने एक बहादुरीपूर्ण ब्रेव एफर्ट्स किया अपनी पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा कुत्ता, बेचारा बूढ़ा लड़का। आई सैड, मैंने उसको कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर जरा भी साहस नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हारा इलाज जानता हूं। बस आज की वीडियो में इतना ही। इस लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। बट मुझे लगता है कि मैं आपको लेसन जो है इस प्रकार से करवाऊंगा कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।